योग कुछ आसनों का व्यायाम मात्र नहीं है, बल्कि यह बहुत कुछ जीवन की सूक्ष्म ऊर्जा की खोज व आविष्कार के संबंध में है। और योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ठीक वहां से प्रारंभ होता है जहां अभी आप और हम हैं, अर्थात वर्तमान से। आज हम आपको एक ऐसे प्राणासन के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे दो दो प्राणायाम के लाभ छिपे हुए हैं। आज हम आपको उज्जायी भ्रामरी संयुक्त प्राणासन के बारे में बताने जा रहे हैं। अनियमित दिनचर्या और खराब आदतों के कारण शरीर में कई रोग पनपने लगते हैं। यदि प्रतिदिन योग प्राणायाम व ध्यान के लिए कुछ समय निकाला जाए तो न केवल शरीर निरोग बनेगा बल्कि मन व आत्मा भी दिव्यता से भरते चले जाएंगे। अपने व्यस्त जीवन में कुछ समय इन जादुई योगिक क्रियाओं को भी दें तथा शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न व आत्मा दिव्य बनाएं। जब भी आप इन योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें तो विशेष ध्यान दें प्रसन्नचित अवस्था के साथ सभी तनावों को भूलकर वर्तमान में रहकर इन योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें, जिससे आपको लाभ दुगना मिलेगा। प्रतिदिन की नियमित योगिक अभ्यास आपकी भागती हुई जिंदगी में एक नया आनंद ला सकती है। और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता। जब भी आप कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्य नियमित होकर करते हैं तब असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं। तो नियमितता के साथ इन योगिक क्रियाओं का अभ्यास करें और खूब लाभ लें। तो सही ढंग से योगिक क्रियाओं का अभ्यास करिए और अपना ही सहयोग अपने आप को उत्कृष्ट मानव बनाने में करिए। तो चलिए आज की योगिक अभ्यास आरंभ करते हैं। उज्जायी भ्रामरी प्राणायाम या उज्जायी भ्रामरी संयुक्त प्राणासन करने के लिए सबसे पहले किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। अब कमर सीधी रखते हुए श्वास छोड़ते हुए गर्दन को इस तरह नीचे लाएं, वह भी हूं का गुंजार करते हुए। जिस तरह हम भ्रामरी प्राणायाम में हूं का गुंजार करते हैं, ठीक उसी तरह हूं का गुंजार करते हुए अपने चेहरे को नीचे की ओर लाना है। थोड़ी देर रुककर फिर हूं का गुंजार करते हुए चेहरे को जितना ऊपर ले जा सकते हैं ऊपर की ओर ले जाना है। जब आप गर्दन को ऊपर और नीचे लाएं तब कंठ को पीछे की ओर खींचकर उज्जायी प्राणायाम की तरह जालंधर बंद लगाने की भी कोशिश करनी है। केवल इस प्राणासन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 15 से 20 बार करें। अन्य प्राणायामों के साथ में इसे 7 से 10 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे विशुद्धि चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे दोनों भावों के बीच में अपने ध्यान को रखें या फिर शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा है अपने ध्यान को वहां रखें। इस प्राणासन को करने के लिए सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन तक में ना बैठ पाए वे बिना हत्थे की कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस प्राणासन का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा आपको ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रखनी है। उज्जायी भ्रामरी संयुक्त प्राणासन प्राणायाम व आसन का मिश्रित रूप है। इसके अभ्यास से उज्जायी प्राणायाम व भ्रामरी प्राणायाम दोनों के ही लाभ मिलते हैं। थायराइड स्वर ग्रंथि के दोषों को दूर करने में लाभदायक आसन है। मस्तिष्क प्रखर व याददाश्त तेज होती है। दिमाग शांत व मन प्रसन्न बनता है। सभी प्रकार के मानसिक विकार के उपचार में लाभदायक प्राणासन है। एकाग्रता व मानसिक आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। अनिद्रा व माइग्रेन के रोग में भी लाभप्रद प्राणासन है। स्वाद व सुगंध के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। आवाज मधुर व स्वर तंत्र साफ होता है। गायकों या भाषण देने वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी योगिक क्रिया है। रक्तचाप संतुलित होता है तथा लकवा के इलाज में भी लाभ मिलता है। गर्भवती महिला व गर्भ में पल रहे बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी प्राणासन है। शरीर की सभी नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं। शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है। सर्दी खांसी से साधक दूर ही रहता है।
अभ्यासी शुद्ध चरित्र वाला तथा संकल्पवान बनता है। निर्णय क्षमता का विकास होता है। यह प्राणासन द्रवधारिता को कम करता है। सप्तधातु अर्थात रक्त, हड्डी, मज्जा, वसा, वीर, त्वचा व मांस के विकारों को दूर करता है। क्षय रोग दूर होते हैं। चेहरों की कांति व सौंदर्य में वृद्धि होती है। संस्कृत शब्द उज्जायी का अर्थ है विजयी तथा भ्रामरी का अभिप्राय भौंरे से है। संयुक्त मतलब साथ में। चूंकि इस प्राणासन में भ्रामरी की तरह गुंजार कर उज्जायी प्राणायाम किया जाता है, इसलिए इसे उज्जायी भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम या प्राणासन कहते हैं। उज्जायी का एक अर्थ बंधनों से मुक्ति भी है और इस प्राणासन से उज्जायी और भ्रामरी प्राणायाम दोनों के लाभ एक साथ मिल जाते हैं। उज्जायी भ्रामरी संयुक्त प्राणासन के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी सात प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी सात चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। गर्दन व कंधे के गंभीर रोगी या चोटग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। स्पॉन्डिलाइटिस के विकार से ग्रस्त व्यक्ति भी धीमी गति व सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करें। वर्टिगो व चक्कर के रोगी इस प्राणासन को करने से परहेज करें। उच्च रक्तचाप हो या उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसका अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर ही करें। इसका अभ्यास खाली पेट व सूर्योदय के समय या उसके आसपास करना ही लाभदायक होगा। उज्जायी भ्रामरी प्राणायाम या संयुक्त प्राणासन में एक साथ ही दोनों प्राणायाम का लाभ मिल जाता है। शांत मन के साथ इसे करने पर इसके लाभ में और वृद्धि होती है। तो यह था उज्जायी भ्रामरी संयुक्त प्राणासन करने की विधि, इसके लाभ व इसको करने में बरती जाने वाली सावधानियाँ।